हम जिस खित्ते में रहते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों के अपने रस्म रिवाज और सकाफती त्यौहार होते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी हमारे पास मुख्तलिफ त्यौहार आते हैं, मुख्तलिफ ज़बानों के सकाफती विरसे हैं और हम वक्त के साथ साथ जैसे पंजाब, सिंध, ये अपने अपने सिंधी, बलोची, पश्तो, सराइकी ये अपने त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। सकाफती विरसे को उजागर करने के लिए आपके सामने कुछ चीज़ें लेके आ रहे हैं। आप रोज़ाना मीडिया पे देख रहे हैं, शोज़ हो रहे हैं, उनके कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे उनकी सिंधी टोपी है, सिंधी अजरक है, खाने पकाने हैं, उनके रस्म और रवाज हैं, शादी ब्याह के जो तौर तरीके हैं, ये अल्लाह ताला ने हर मज़हब में हर कौम के लिए कुछ ऐसे चीज़ें बनाई हैं जिससे उनकी पहचान होती है। ये सकाफती विरसे हमारे ये रंगो नस्ल की जो एक दिखावट है जो हम मुख्तलिफ तरीक़े से लोगों के सामने लेके आते हैं, वो इस चीज़ को साबित करते हैं कि उनका अपना एक रहन सहन का, अपना एक रस्म और रवाज का एक कल्चर मौजूद है। सिंधी सकाफत बहुत पुरानी है, यहाँ तक कि आपको मोहनजोदड़ो में भी उसके असरात मिलते हैं। ये आज की बात नहीं है, आपको मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री में भी सिंधी अजरक के नमूने मिलते हैं जो आज हम आम देखते हैं। तो कोई भी रंगो नस्ल की कौम हो वो अपने आप को ज़िंदा ही ऐसे रखती है कि वो अपने सकाफती विरसे को बर्बाद नहीं होने देती और ना ही उसे ख़त्म होने देती। आपको सिंधी सकाफत डे की मुबारक हो और उम्मीद है कि आप भी कुछ अपने रंगों के ज़रिए इसको साबित करेंगे कि आप भी इस सूबे के शहरी हैं और इस चीज़ पे आपका भी हक है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुद्वारा गोठ थई ओ मजा मिठा मानो लाड़ जा।